पूरा उत्तर प्रदेश बिहार में ही कार चलता, घर बटाता, खेत बटाता, रुपया बटा गईल, कोला कोलवाई बटा गईल, बटुला बटुली बटा गईल। पहला प्रश्न उठता कि माई के करे में रोज परसिया भंडारी में लीला बागिना, अब बाबूजी के करे में रही है। तब बड़की पतोही से पूछा था, कहो तू अपने बुढ़वा बुढ़िया के मिलेबू? तब बड़की कहती है, दादा बुढ़िया से हमसे नहीं पटेला, बुढ़ऊ भरी हमारे में रह, बुढ़ऊ गैला बड़की पतोह में। मझली से पूछा था, तू बुढ़ऊ के अपने में मिलेबू? तो हमारे में ना रही है, हमसे पटेला ना। छोटकी पतोही कहती है, बूढ़ा हमारे में आवे, लेकिन प्रधान जी लिखा पढ़ी कह दे, आज उसे बुढ़ऊ जबले जी हैं तबले बूढ़ा से बुढ़ऊ बोली है न। घर बटाता कि मुआवल जाता है, घर बटाता हो। माई शब्द बड़ा महंगा बा, नवरात्र में माई के पूजा होला, माई के दाह संस्कार संस्कार संसार में केहू पूरा ई माई ऐसा केहू हो। आ माई के कथा सुना तो निरुआ ध्यान से सुना, बड़ी योजन की बात है कथा में। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी कथा सुन लेली, सती से कहली कि चलो, कहली हो गई, कहले हाँ हो गई। तुलसी बाबा लिखल है, अरे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अचले संघ ले दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरा, चले संघ ले दक्ष कुमारी, चले संघ ले दक्ष कुमारी, चले संघ ले दक्ष कुमारी, चले संघ ले। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, आ चले संघ ले दक्ष कुमारी। सती के लेके भगवान शंकर जी चलल बनी अब, लेकिन रास्ता में सोचा तनी कि अखंड नायक परमात्मा के अवतार भगवान के जन्म अयोध्या में हो गल बा। आई तनी आगे कथा में सुन। अच्छा शंकर जी जब लेके चलनी तो खुश बानी कि कष्ट में बानी? खुश बानी। अपनी मर्दे के साथे सोनू घाट चौराहा पर जाई, सजी सामान किना जा, कपड़ा किना जा, चप्पल किना जा, गहना किना जा, ए सब सिंगार के सामान किना जा। अब मालिक इतने न कहे कि तने चलो बर्फी खा के गिलास पानी पी लो, तरुआ मर्दे पर खुश हो कब कि नाराज? ओजू से भन भनाते पैदल आई, अब तारा साथे कबो सोनू घाट देवरिया जाए बिना। सजी का कहले जब एक गिलास पानी बर्फी ना खियोले, चाउमीन आ बर्गर ना खियोले मले छवा, ना कुरकुर नहीं खी जानत, हम जान ना जानता नहीं हुए बोलो गुपचुप जौन खते नहीं खी तो के का जान। सब करने के बाद व्यक्ति बर्बाद हो जाके कि नहीं? शंकर जी बड़ी प्रेम से लेके गईली, अब बड़ा प्रेम से बैठौली की कथा सुन। सजी कैला के बादो कथा सुनली ना, इतना बड़ा पंडाल लगल बा, घर घर में अलाउंस भइल बा कि वीरेंद्र बाबा आ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, सबका घर में भाव बा कि बाबा की कथा बा। आ गौवे में कथा होता घर ही के लोग ना आवे तो के फायदा करेगी नुकसान? तुरंत रिएक्शन करेगा। भगवान से कभी दुश्मनी मत करो। अब हेतर सुन लो, पटीदार ऋषि आई तो कुछ ना बिगड़ी, पटीदार ऋषि आ जाना तो कुछ ना बिगड़ी, रिश्तेदार ऋषि आ जा तो कुछ ना बिगड़ी, प्रधान सभासद ऋषि आ जा तो कुछ ना बिगड़ी, विधायक ऋषि आ जा तो कुछ ना बिगड़ी, टोला महल्ला ऋषि आ जा तो कुछ ना बिगड़ी, लेकिन भगवान नाराज हो जाए तो नहीं बोलोगे? अच्छा तो कुछ बिगड़ी कि सब गई?
के मनाओ चाहे कि नाराज मत हो, की दुनिया के फेर में मत पड़ो, परमात्मा से निवेदन करो कि भगवान अब कभी आप कभी नाराज मत होइएगा, हमारे बारी फुलवारी पर नजर रुआ दे ले रहे, अगर भगवान का नजर रहेगा ना तो बेटा अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, माँ अच्छी रहेगी, बहू अच्छी रहेगी, परिवार के सारे लोग अच्छा रहेंगे महाराज। वर्तमान में सबसे बड़ा कष्ट जानदानी कहाँ बा, ये गांव के जितना पुरनिया माई बैठल बड़ी सो वो कुल से पूछब कि तोर आत्मा खुश बा, तोलहर मैं बोल रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं कोई कह दे कि बाबा हम बड़ा गदगद बानी, कारण का ए कारण का तो जौने बेटा खातिर का कोइल गई, वो बेटा अपना माई के कदर ना करता, जौने पतोही के बुलावे खातिर कितना महत्व कौन सा सुनाई अगर आतिया कि हमरो पतोही अब आई, अला के बाद वो लीला शुरू होता, बाप हो बाप नीमन होता कि बाबू। हमारी कथा नहीं है पहले संस्कार, आई नहीं कि एक के कपारे बा, आई शंकर जी के परिवार के कथा हो तारू राय में समझत जाए, शंकर जी लेके चलनी आकाश मार्ग से चलल बने भगवान, वही टाइम में भगवान राम का अवतार हो चुका है आ सीता के रावण चुरा के लेके गई बा, पेड़ पौधा से राम जी पूछत रहे, जन जन के लोग से पूछत रहे, आ जब शंकर जी ओ सामने आईली तो जब देखले राम जी के रोवल तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कैले, शंकर जी के इष्ट देव कौन है राम जी, आ राम जी के इष्ट देव शंकर भगवान, शंकर जी राम जी को प्रणाम करते हैं और राम जी हमारे भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, ये दोनों एक एक पूरक है महाराज, राम जी शंकर जी को प्रणाम करते हैं और शंकर भगवान राम जी को प्रणाम करते हैं, ज्यो प्रणाम के लिए तो सती कहली अब लीला लीला कौन शुरू हो गई, अब एजू के गोड़ लागता नहीं, कौन देवता एजू उपट गई ले, शंकर भगवान कहले आज तोहरो बुझाता बाउरे लिखल बा, अच्छा तो नीमन लिखल बा कि बाउर, जगह जगह सुबहा होख है तो मेहरारू के बाउर लिखल बा कि नीमन, हेमत के सुबहा करत नहीं हो, सासू पर सुभा अलगे, मर्दे पर सुभा अलगे, देवरे पर सुभा अलगे, पटिदारे पर सुभा अलगे, दिन भर सुभा लेकर मर, किसी पर सुभा मत करो, मैं सुभा की बीमारी की बात बोल रहा हूं, सती के सुभा भैल की एजू कौन देवता आ गए, शंकर जी कहले जेकर कथा सुने गई ललू इहे के हई, सती कली है लड़का रोता है भगवान हम, शंकर जी कहले ब्रह्म है सचितानंद परमात्मा है, सीता के रावण लेके चल गए यहाँ के रोवा तनी, सती कहली जे भगवान हो ओकरा मालूम नहीं बा ओकर मेहरारू कहाँ गई, अरे भगवान हो ब्रह्म है, शंकर जी कहले ऐसा शब्द मत बोला हाथ जोड़ के प्रणाम कर, सती कहली हम इनके गोड़ लागब इनके, अरे 12 वर्ष का बच्चा कोई रो रहा है ये ब्रह्म है भगवान है परमात्मा है, शंकर जी कहले नाई विश्वास बात का करबू, कहली हम इनका परीक्षा ले, शंकर जी कहले अभी कम में बगड़ल भाई अब तो बगड़ ही जाता है, भगवान क्या नहीं जानते हैं, शंकर जी बार बार मना कैले लेकिन कहली जब परीक्षा ले तो शंकर भगवान तुरंत कहले का हो न वही जो राम रची राखा, होइहन वही जो राम रुचि राखा, ओ करी तर्क बढ़ावही साखा, बोल दी शंकर भगवान की। देखिए एक बात सुन लीजिएगा गौर करिएगा, जेकर लड़का चाहे मेहरारू या चाहे भाई या चाहे बेटा एक बेर कहीं की बात मान ले, अगर ना मान लो तो दू बेर कहीं बात मान जो ना मान लो, तीसरा बेर कहीं की बात मान जाओ
अगर नहीं मानता है तो ये जरूर बोल देना कि जा होइहन वही जो राम रची। अच्छा तो कर नीमन होगी बाउर नहीं बोलोगे तड़ाक दे बिगड़ गए बर्बाद एक चौपाई में। माई बाप के बात नहीं माने वाला बेटा का एक्सीडेंट होता कि ना होता? नहीं होता, नहीं होता हो कहीं से पिटा के आवता कि ना आवता? जौन जौन दशा हो रहा है ना, माता पिता का पहले आदर करो। अगर माता पिता को प्रणाम करके बाइक अपनी लेकर जा रहे हो तो रास्ते में कतई बाइक से एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरा दावा है। माता पिता को प्रणाम करके सम्मान के साथ पैर छू के जा रहे हो तो जहां जाओगे तुम्हारा बरकत होगा। मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, माता पिता को फोन से अगर दो दिन चार दिन पर बात कर रहे हो, माँ अच्छी हो ना, मोबाइल में पैसा भरा लेबा तो खाली मेहरारू से बतिया जाएगी, माइयो से मैं नहीं बतियाई, सबसे जरूरी माई बागी मेहरारू ना बोले, बुझे वाला तो बुझते है। ट्रेनिंग सेंटर है उत्तर प्रदेश बिहार में, बहुत कथा वाचक है, लेकिन हमारी कथा कथा नहीं है, पहले संस्कार। अरे जौने घर में माई के इज्जत ना हो, पिता के इज्जत ना हो, खो सासू के ससुर के इज्जत ना हो, खो ए परिवार में पुरखा पुरनिया के आदर ना हो, खो वो घोर बोनी की बिगड़ी। नहीं समझ रहे हो? तुरंत बिगड़ना है। लाले चाय बनाओ पहले अम्मा जी का थमाओ, धिकले रोटी बनाओ पहले कोई अम्मा जी दो रोटी खा ली। साउंड के पास आप लोग कोई है? सीताराम जी, यहां वार्ता ना हो, कोई बोलेंगे नहीं, शांति से बैठ जाओ, बोलो शंकर भगवान की जय। हमार बतिया तनी कड़ेर ना नहीं होता, आगे कड़ेर होता, अरे जेकर ना ही खेपात हो तो कड़ेर बुझेबे करी। दादा ये कौन कथा होता? यह कथा ये युग में सीखल जरूरी बा। सास तनी अपना ए पतो ही सासू के गोड़ लागे, इतनी पड़ता ए पांच पांच बरिस पतो ही से सासू से बोल चाल नाई बा। अब बुढ़िया मरे जाती आंखी पर पर्दा पड़ गए, मझली पतो ही जाती आ कहते अम्मा जी चिन्ह तानी हमरा मझली पतो ही दादा। अब इनके चिन्ह मझली है, अब पांच बरिस तक कबे ना कैली, एहन होता कि दूसर होता? एहू गंगा के बतिया ही है बा, हम होजू का ना ही बोलता नहीं, एजू का बोलता नहीं है। ट्रेनिंग पहले दो कि का बोलता नहीं हम? जियत या माई तबले केहू ना कहता माई रे चप्पल पहिर के जाई है, माई रे केरा ले बने दू को खा ले, माई रे ले मच्छरदानी लगा दी मौस काटता, माई रे ले पिठिया तोर मोल दी, माई है नया साल एगो ले बनी ओढ़ के माई के पूछता। उहे माई जब मर जातिया जइया काम पड़ता कजिया पड़ता, ए गद्दा दिया था रजाई दिया था, जौन माई गुदरा पर जीवन भर सूत गद्दा दिया था रजाई दिया था मच्छरदानी लगाता, वही पर सेजा पर छत्ता धरा था कि तान ले रही है, सेजा पर चप्पल धरा था कि उचकाड़ी के चप्पल पहुर, वही पर केरा सेव धरा था कि अब काट काट खो, जीवन भर लतियावल गोली है। समाज में पहले परिवर्तन करो, माता पिता का सेवा कहीं जाता नहीं है, और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं जेकरी घर में माई बाप के सेवा बेटा कराता वो बेटा के कबो कहीं से कटे के ना बा, ओकर बरकत कबो होई, ओकर मेहरारू अच्छा रही, और बेटा लायक अगर बा तब पतोहियो लायक बन जाई, बेटा हुआ के जर से गड़बड़ी होता, बहुत जरूरी बा। माई का कथा चलता लेकिन आगे चल के सुनी। सीता के रावण लेके गलबा, बार बार शंकर जी मना करता नहीं मत जा, सती कली नाई हम इनका परीक्षा ले, तो कहली जा होई है ना वही जो राम रची जा। हाँ तो बात इनाई मान ली, आ गईबो कैली तो असली रूप में ना जाता रही, इनाई कि हम सती हैं तो चला हो तरह चला, अब गईबो कैली तो नकली अब ना खड़ा कैली, रहली सती बन गली सीता,
राम जी की औरत का नाम क्या है? सीता। और शंकर जी की औरत के नाम सती। रहली सती बन गली सीता। और नकली सीता बन के राम जी के आगे कूदत चल ताड़ी। असली सीता राम जी के आगे चलने की पीछे पीछे चलती है, लेकिन नकली सीता आगे कूदत ताड़ी। लक्ष्मण जी कहले भैया हाउ देख ली। राम जी कहले तकावा मत, अबे खुदे हमके तकावे आवा ताड़ी। आ जब आगे अली तब पहले राम जी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कैले, दोनों हाथ जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। अब पिता समेत लीन निज। राम जी कहली कि भोले भंडारी कहाँ बनी है जंगल में रुआ घूमतन। सती कहली दादा ये चिन्ह तड़का, भगवान को चिन्हाना नहीं है, आप हमारे शब्द को समझने का प्रयास करना। कहले कि भोले भंडारी कहाँ बनी रुआ केले जंगल में घूमतनी। सती कहली अब तेजू से भगले के ताक बा। आ सती अब भागे लगली तो जौनर भागत रही रामे राम दिखाई देता रहे। ओने जातड़ी राम, ओने जातड़ी राम, खाली रामे राम। सती हकासल पियासल भागल पराई बौरहू के लगोइली। भोलेनाथ मौन में राम 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 सीता राम जपत रहे। सती जब गईली तो शंकर जी तकली। भोलेनाथ कहली का भइल। सती कहली का भइल, रौरहू गोड़ लगली हमहू गोड़ ला के आवतानी। सही बोली कि झूठ झूठ को गलती हो गई। कथा सुने गईली कथा नहीं सुन ली। रास्ता में मना कैले कि परीक्षा लेवे न जा, बात मन ली ना। आईबो कैली तो झूठ को गलती हो गई। को गलती परमात्मा एगो बर्दाश्त कर लेंगे, दो बर्दाश्त करेंगे, तीन तीन बर्दाश्त करेंगे, ऐसा होगा। शंकर जी कहले लो अजूल लिखल रोल का यह तनु भेंट सती अब नाही। यह तनु भेंट सती अब नाही। यह तनु भेंट सती अब नाही। शिव संकल्प की न मन माही। राम से राम से राम जय जय राम राम राम। श्रिया राम से राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की। शंकर भगवान खोलहर कहले अबले तो पर्दा में रहल। यह तनु भेंट सती अब नाही। आ शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन संकल्प के लेना तू हमार मेहरारू और ना तुहार हम मरद। तनी एक बात रोवापच बताए। रोवापच के मालिक ऋषिया जात के जान पाई कि ऋषिया बने के नहीं बुझ पाई। हई पाल्टी ऋषिया जात हई पाल्टी रसोईया परोसत में चिन्हा जाइ। तन बनल बाजार रही ना तो फर्स्ट क्लास पानी ले आके धरी है, मूली काट के धरी है, अचारे के मरचा भड़ुआ मरचा दे, नींबू के अचार दे, मार कुछ कुछ किए हैं। अब बिगड़ल बाजार बता है तरता का हमरा और है ये जुबा ले लेकर उनसे कही है रो खाई खाए कही है ये जुबा है जकर मन करते खाई चाहे नहीं खाई। ओकरे बाद फिर पूछे ना आई। एक बेर मर्दे मेहरारू में रिसा खिसी भइल है तो मौगी मर्दा से नहीं बोले बोल चल नहीं रहे। आ तीन महीना बीत गली है जाड़ा जो आवता वो जाड़ा के मौसम रहल। मर्दा खा के निकल तो इतना चैली बार के तापत रहे आगी तले तो मौगियो खा के निकल
तो दोनों तापत रहे लेकिन बोल चाल नहीं रहे। उ ताकत या हे तड़े आई ताकत रहे अगिया दोनों तापत रहे सो हे तारे ओकर मुंह बहन ने ओकर मुंह तापत रहे सो दोनों तले एगो चूनी छटक के मर्दा के धोती सुन गए लागो एगो लूतु ही छटक के एकर धोती सुन गए लागो है बड़ा चालू जाती है जन आगे बैठल बा है तर तिरछे तकलस कॉलेज बोल चाल है नहीं के कैसे कहीं एरे रोज रहता कॉलेज मल छौ सब बोलब त नहीं भले धो ले अब धुआं जब फेंके लागो तो मौगी कॉलेज से मल छौ सब बोलब त नहीं चल त नहीं भोजू खड़ा होके गोल मेहरारू के बुद्धि जानते बानी होजू जाके खड़ा होके कहलस केहू के धोती जरे हमरा का लेवे देओ बा केहू के धोती जरे हमरा का लेवे देओ बा केहू के धोती जरे धोतिया मर्दे पहिरले रहे उनसे बोले गइली हो बोललस हो उ त कहलस केहू के धोती जरे आ धोतिया इहे पहिरले माने भाषा में बुझा देलस दौड़ के जाके मेहरारू के गोड़े पर गिर गइले कहले ले आज से कान पकड़ो तनी कबो ऋषि आई बिना कौन पार्टी बोलल मर्द वाली पार्टी बड़ी थेथर पार्टी है औरत कोनो नाराजो हो जाई तो बोली ना उ ना बोली बोली है तो मर्दे बोली है मेरा रू कोनो ऋषिया जतिया घर में तो तीन बार यहाँ कहे कहो बजरिया से काय आई वो बोली ना काय आई काहे ना बोल तड़ू काय आई तीसरा बेरे कहबो करी हमारा हम ही जानता नहीं क्या आई तू जाना तू बुझ अब्बा किने मन करी सौदा भाषा बड़ा अब का कही है स्त्री पुरुष का भाषा तो उतना बढ़िया होना चाहिए कि कभी जीवन में बिगाड़ ना हो। देखिए सब देव देव हैं हमारे शंकर जी महादेव हैं जितना मर्द यहां में है परसिया के लोग सुन लें केहू के सामने इनाई लिखाइल बा कि राकेश देव लाल बचन देव सुदामा देव बबलू देव गुड्डू देव मुन्ना देव चाहे वीरेंद्र देव कहीं लिखाइल बा देव नाय आ तो लोग सामने मंजू देवी गुड़िया देवी कुसुम देवी अनारी देवी जिलेबा देवी डिंपल देवी अरे सब देवी है ये देवियां बैठी हैं लक्ष्मी स्वरूपा। एक बात और कहेंगे हम महिलाओं को कभी अपने मुंह से गाली मत दो। पुरुष लोगों से निवेदन करेंगे अपनी अर्धांगिनी को चाहे अपनी मां को परिवार के लोगों को महिलाओं को अपने मुंह से कभी गाली मत दो। और महिला का इज्जत जिस घर में होगा आपका सम्मान बढ़ेगा धन की बरकत होगी। जौने घर में मेहरारू रोवतिया मार खातिया माई रोवतिया कुटुक कुटुक कल जाता उस घर का बरकत कभी नहीं होगा। थोड़ा ताली बजान लो बाप हो बाप यो बतिया नहीं सुने लायक बा कहो तो लग बाउर कहने के नीम तनिमनो बनोले प्रताप ताली ना बाजी परिवार में औरतों का दर्जा ऊंचा है। पुरुष कितना हूं कमा लें कितना हूं संपत्ति बन लें बना लें कर लें लेकिन व्यवस्था तो सब आप ही लोगों का है। और महिला चाहे तो घर को राज रजा देगी और महिला अगर बिगड़ जाए ना तो घर को बर्बाद करने में देरी नहीं लगेगा। बाबू हम निवेदन करेंगे आप सभी लोगों से कि परिवार को सजाने का प्रयास करो। आप बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी कहले कि यह तनु भेंट सती अब नाही अशिव संकल्प कीन मन। शंकर जी नाराज हो गए लेकिन लेके जब सती के गईले तक कैलाश पर्वत पर आसन लगा ले ले। सती के पहली औरत की कथा चलता आ जब आसन लगा के बैठले तो 87,000 बरस तक लेना 87,000 बरस भोलेनाथ तक लेना 87,000 बरस के बाद शंकर जी तकले जगले। तुलसी बाबा लिखली राम नाम जब सुमिरन लागे राम नाम जब सुमिरन लागे जानी सती जगत पति
जागे। नाम जब सुमिरन लागे आ जानी सती जगत पति, शंकर भगवान के जागल जनली कि भोलेनाथ ताक रहे हैं। तो जब सती गईली तो शंकर जी अपना बगल में बैठौले, कहले देवी अब बगल में बैठा। माता सती कहली कि स्वामी आप नाराज बानी का? शंकर जी कहली नाराज ना बानी ना बैठ। तो रामे जी के कथा रामे जी के प्रवचन सती के सुनावे लगले। आ वही टाइम में वही समय में ए बाबू प्रजापति राजा दक्ष यज्ञ करत रहे। कथा सीरियल आप रामायण को सुन रहे हैं। प्रजापति राजा दक्ष यज्ञ करत रहे आ सती के सजी बहिन बहन वही देवता लोग आकाश मार्ग से जाता रहे। सती कली स्वामी लोग कहाँ जाता रहे? शंकर जी कहे तोरा नैहर में यज्ञ होता। सती कली हमारी नैहर में जग होता तो ई न्योता हमार बोलाहट ना बका। कहले हमारे बैर से तुहार पिताजी न्योता ना दिले बड़े। सती कली कौन बैर भइल बा? शंकर जी कहले तोरा नैहर गइल हली। तोरा नैहर गइली जहिया ब्रह्मा जी सभा के अध्यक्ष बनौले उस सभा में हम गइली। सब लोग तोहरा पिता के प्रणाम कइल आ हम मुड़ी ना झुकौली। ओकरा कारण नाराज बने हमारी घर न्योता ना आयल बा। सती कली जब नेवता ना आयल बा तो केहू जाई कि ना? शंकर जी कहली कि जब नेवता ना आयल बा तो हम तो यह कह केहू ना जाई। अच्छा ये शंकर जी कहले तो सती के मानल चाहत रहे कि ना? अगर मर्द नाराज बागी ना, हम ससुरारी हमरे केहू ना जाई तो मेहरारू का मान जाए जाएगी ना? लेकिन ओहू युग में या एहू युग में मेहरारू कब मान जाए कि नैहरे ना जाए ना जाई है? जब ले पूरा बंडल हो न जा नैहर से ससुराल मनी है। कथा बड़ा जोरदार है और समझने का प्रयास करोगे कथा को। शंकर जी बार बार मना कैले कि मत जा। सती कली रौरा जाई भी चाहे ना जाई हम तो नैहर। सती बिना बोलावल गईली। अच्छा एक बात बताई के घर तिलक पर जा बारात आवे बियाह रहो अब बिना बोलौले ओकरा घर जाई तरह इज्जत होई का जी? के घर मुड़न होके बरही होके बिना बोलौले जाई इज्जत होई? आ माई से भेंट कर जाए बतो तब ना इज्जत होई? नहीं होई? होई। गुरु के घर जाए तब इज्जत ना होई बिना बोलावल? भगवान की कथा में आओगे तब वो इज्जत ना होई। तीन जगह बिना बुलाना भी जाना चाहिए। कहां? अगर भगवान की कहीं कथा हो कोई ना कहा हो तो चल करके प्रेम से पहले ही कथा में बैठ जाओ। कहीं धर्म का काम हो रहा है नैहर में भी जाना हो। देखिए अगर ईर्खा में सबको बुलाया गया है आपको नहीं बुलाया गया है तो कतई वहां जाने का नाम मत लो। अगर सबको नहीं बुलाया गया है तो आप बिना बुलाए जाओगे ना इज्जत आपका हो जाएगा अकेले। लेकिन चार लोग बुलाए जाएं और एक लोग ना बुलाए जाएं तब तो कदर नहीं होगा भाई। सती कली नैहर जाए हम। शंकर जी कहले कान खोल के सुन लो जेबू जरूर लेकिन तुहार इज्जत होई ना। सती नैहर गईली सजी बहनिया दौड़ल बड़ी। अरे राजा दच के कई बेटी है सजी बहन दौड़ल बड़ी। पहली बहन गली कहिए दीदी तोरे घर नेवता गोइल लल। सती कली नेवता तो नहीं गोइल लल। तो दूसरी बहन कली बिना नेवता के का लब्ध चल अलू हमारा तो देखा चिट्ठी गोइल लल। अभी बताई मजाक ओकर उड़ावल जाता कि ना? और जेकरा जुड़ल बा तेकरा सजी बा जेकरा नहीं जुड़ल बा उहे बा। तीसरी बहन कली अच्छा ही बताओ घरवा बनल की अब मड़ैये में रह लोग? सती कली हमारा भाग में मड़ैये बा वही में रही ले। चौथा बहन कली कपड़ा लता पहरे ला शंकर जी की उघारे रहे ले। सती कली हमरा उहां का उघारे रही ले बाघंबर लपेट के रही ले। पांचवा जने कली भात रोटी बने लगी अब वो भंगिये पीसे लू। सती कली अब तो बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बताई गरीबी अमीरी अपने हाथ में बा।
आज उरौरा गांव में जे गरीब बाबू अमीर होई कि ना, वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं अमीर होगा वो, एक ने एक दिन होगा, चाहे बेटा के चलते हो जाए, पति के चलते हो जाए, किसी के भगवान की कृपा अगर हो जाएगी तो गरीब आदमी अमीर हो जाएगा। आज ये राजा बाबू गरीब होई कि ना, ना होई, पहले जो राजा थे गरीब हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए हैं, जेकरा बड़ा संपत्ति लोकर बिका गोल, आ जेकरा कुछ ना ले मारुति में उड़ता, बोलो शंकर भगवान की। कथा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, शंकर जी नहीं मल्ली बिना बोलावल गली कहली, अब बहिन से ना बतियाए, एगो प्रेम से भाव से महतारी मिलल माई। अच्छा दुनिया में रुआ बड़ा घूमल बनी, अपनी बेटी के बुराई को वो महतारियो करी कजी, बेटी के बुराई कबो माई करी, बेटी के निंदा कबो माई करी, आ माई के दाह कबो केहू पुराई। ए तर सुन, माई के चर्चा आयल बा तो दू मिनट बता दे रौरा, माई के पेटे में बच्चा बा, डिलीवरी बा, बच्चा होके वाला बा, अल्लाद फान के लोग लग गए देवरिया सदर में, डॉक्टर कहता दू में एक के बची, या तो लड़का बची नहीं तो माई, तो ओकरा ससुरा वाला के बचाओ कहीं है, ससुरो को ही पतो ही बचा दी है डॉक्टर साहब, सासुओ को ही पतो ही बचा दी, मर्दो कही हमार मेहरारू बच जा, देवरो कही भौजाई बच जा, लेकिन जोने माई के पेटे में लड़का बा उसे पूछल जागी या तो तू बचबू अने तो तोरे पेटे में के लड़का, वो माई के बचावे कही, सही बोलिएगा, माई के कही बचावे के, अपने लड़का के कही डॉक्टर साहब हमारा बाबू के बचा ली, हमारी बेटा के बचा ली सरकार, हम नाही और नाही नाही और हम न, तो ये लोग ही कही कि वो माई बेटा पैदा करके मरल बा, हाँ आ बाबू हमार मर जा, आज के बाद बच्चा ना होके तो नैहर ससुरा लोग बझिनिया कही के हमारे मुंह करीखा पोत दी। ताली बजाओ ना बरियारे,